जब भी आपने किसी वेबसाइट पर कोई रजिस्ट्रेशन किया होगा या कोई फॉर्म भरा होगा तो आपको कुछ इस तरह के टेढ़े मेढ़े अक्षर या इस तरह का चेकबॉक्स दिखाई दिया होगा। तब आप सोचते होंगे कि एक अच्छे भले फॉर्म में ये टेढ़े मेढ़े अक्षर क्यों डाल दिए जाते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कुछ बेहतरीन सी जानकारी देंगे आपको। देखिए, इन्हें कैप्चा कोड कहा जाता है। इन्हें किसी भी वेबसाइट में फालतू में नहीं लगाया जाता। दरअसल किसी भी वेबसाइट पर इन्हें सुरक्षा के पर्पस से लगाया जाता है क्योंकि कई लोग कुछ ऐसी कोडिंग बना लेते हैं जिनसे वो ऑटोमेटिक चंद सेकंडों में ढेर सारे फॉर्म भर लेते हैं, जिससे वेबसाइट पर वो लोग नहीं पहुंच पाते जिन्हें इनकी जरूरत होती है, बल्कि वो बनाई गई कोडिंग सारे फॉर्म भर देती है। इसलिए उस कोडिंग यानी रोबोट और मनुष्य में अंतर पहचानने के लिए कैप्चा कोड की शुरुआत की गई। कैप्चा कोड का पूरा नाम कम्प्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट से है। कैप्चा कोड में हमेशा टेढ़े मेढ़े अक्षर आते हैं और हर बार बदल कर आते हैं, जिससे रोबोट इन्हें पहचान नहीं पाता और मनुष्य इन्हें आंखों से देखता है और समझता है, जिसके बाद वो इसे फिल करता है। कैप्चा कोड के बाद जिन कैप्चा को डेवलप किया गया है उन्हें री कैप्चा कहा जाता है। दरअसल कैप्चा को और एडवांस बनाने के लिए कई सारी किताबों को कंप्यूटर्स में स्कैन किया गया और देखा गया कि कंप्यूटर कौन से शब्द और अक्षर सही तरीके से नहीं समझ पा रहा है। बस इन्हीं को री कैप्चा के रूप में इस्तेमाल किया गया। और आपने जीमेल आईडी तो बनाई होगी तो आपने देखा होगा कि वहाँ कोई कैप्चा कोड नहीं आता है, बल्कि वहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट लिखा आता है, जिसके आगे एक बॉक्स बना होता है। उस पर आपको क्लिक करना होता है और वह ग्रीन कलर का चेक बॉक्स बन जाता है और तब आप आगे का प्रोसेस कर पाते हैं। तो आई एम नॉट ए रोबोट एक तरीके का एडवांस कैप्चा कोड है, जिसमें आपको कोई अक्षर नहीं फिल करने होते हैं, बल्कि सिर्फ एक टिक लगाना होता है। आप जब क्लिक करते हैं तो उसी समय इसका सॉफ्टवेयर अंदाजा लगा लेता है कि आप मनुष्य हैं या रोबोट। जब आप बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो इसका सॉफ्टवेयर आपके स्क्रीन पर बिताए गए टाइम, आपके कर्सर की लोकेशन, आपके आईपी एड्रेस और आपकी लोकेशन जैसी चीजों के जरिए पता लगा लेता है कि आप इंसान ही हैं, और वो आगे आपको प्रोसेस करने देता है। अगर सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा भी अंदाजा लगता है कि आप इंसान नहीं है, रोबोट है, तो फिर आपको कुछ फोटो दिखाई जाती है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि इस चीज की फोटो कौन कौन सी हैं। तो आशा करता हूँ आप कैप्चा, रिकैप्चा और आई एम नॉट ए रोबोट के बारे में जान गए होंगे।